का घर कुछ नियमों कुछ कायदों पर चलता है और जब उस घर के रूल्स ब्रेक किए जाते हैं तो फिर कंटेस्टेंट्स को सजा भी मिलती है। इस वक्त घर के कैप्टन साजिद खान हैं और साजिद खान की कैप्टेंसी में काफी सारी गलतियां हो रही है। सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड्स में फैंस ने नोटिस किया कि साजिद खान स्मोकिंग रूम के बाहर आकर स्मोक करते नजर आए, जबकि हर वीकेंड पर सलमान खान ने भी और बिग बॉस ने भी कई बार घर वालों को टोका है ऐसा ना करने के लिए। इसके अलावा बिग बॉस ने इसकी सजा देते हुए फाइनली स्मोकिंग रूम को बंद कर दिया है और उसके ऊपर उन्होंने एक बोर्ड लगवाया है जिस पर लिखा है हम बेवकूफ हैं। इसी के चलते शालीन माफी मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन साजिद खान सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगने वाले हैं। इसके अलावा भी साजिद खान जिस तरह से घर में ड्यूटीज बांटते नजर आएंगे वो बिग बॉस को पसंद नहीं आएगा। होगा ये कि साजिद खान चिट सिस्टम निकालेंगे, वो एक लॉटरी की तरह चिट्स उड़ाएंगे और जिस कंटेस्टेंट्स के हाथ में जौन सी चिट आएगी वो वही ड्यूटी करते नजर आएंगे। इस तरह से साजिद खान राजा बनेंगे घर के, इस तरह से वो कैप्टन बनेंगे और इसी तरह से वो ड्यूटीज बांट देंगे। लेकिन बिग बॉस कहेंगे कि क्या साजिद खान अपने फिल्म के सेट पर भी ऐसा ही करते हैं, क्या वो स्टंट डायरेक्टर से क्रिएटिव डायरेक्टर का काम करवाते हैं, जिसके बाद साजिद की बांटी हुई सभी ड्यूटीज को बिग बॉस खारिज कर देंगे और साजिद को सजा ना देते हुए जिन्होंने साजिद खान की हेल्प की ये चिट्स बनाने में उनको सजा मिलेगी, जिसमें सबसे पहला नाम होगा सुम्बुल टुकीर खान का जो साजिद खान की फेवरेट्स में थी, उन्होंने खुद सेलेक्ट की थी लेकिन अब बिग बॉस उन्हें फेवरेट्स में से निकालते हुए नजर आएंगे। अर्चना गौतम वही दूसरी साइड साजिद खान की कैप्टेंसी को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाती जा रही हैं।